हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं गणेश ग्रीन भारत आईपीओ के सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड अपडेटेड जीएमपी के बारे में। हमने इस आईपीओ से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो भी बना रखी है, जिसमें हमने कंपनी के बारे में बात की थी कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के बारे में ब्रीफ में बात की थी। फिर हमने इसके फाइनेंस देखे थे, जिसमें हमने एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और जो भी नेसेसरी आइटम थे, प्रॉफिट जो फाइनेंशियल है वो सारे हमने देखे थे, और जो भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट थे उन सब के बारे में हमने ब्रीफ में बात की थी। फिर हमने इस कंपनी के केपीआई फैक्टर देखे थे, जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन नेटवर्क, इन सब के जो भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट थे उन सबको कंसीडर करते हुए हमने एक डिसीजन लिया था कि हम इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो आज ये वीडियो उस डिसीजन को या तो कंटिन्यू करेगी या फिर चेंज करेगी, जो हम इस वीडियो के लास्ट में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करिए देखते रहिएगा, और अगर अभी तक किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहला मेरा आपको सजेशन यही है कि सबसे पहले जाके आप वो डिटेल वीडियो देख लें, ताकि जिससे आपको कंपनी के बारे में पता चल जाए, कंपनी के जो भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट है उन सबको कंसीडर करते हुए आपको एक डिसीजन लेने में हेल्प मिल सके। तो उस वीडियो का लिंक या तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, या फिर आप उसे एंड स्क्रीन पर जाकर भी देख सकते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं आगे कोई अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँ किसी भी आईपीओ से रिलेटेड, या फिर कोई नया आईपीओ आता है उसके रिगार्डिंग कोई वीडियोस लेकर आऊँ, या फिर लास्ट मोमेंट पे कभी भी मेरा कोई डिसीजन चेंज होता है किसी भी आईपीओ के रिगार्डिंग, तो उस रिगार्डिंग कोई अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँ, तो आप उन वीडियो से अपडेटेड रह सके और आपको सही से सही आईपीओ में अप्लाई करने के डिसीजन में हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले इस आईपीओ में हम ये डिस्कस करेंगे, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस कंपनी ने कितने शेयर्स ऑफर किए हैं कैटेगरी वाइज, और अभी तक कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई है। फिर हम देखेंगे सब्सक्रिप्शन इन नंबर्स ऑफ टाइम, फिर हम एक अजम्पशन लगाएंगे कि इसका जो आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस है वो कितना जा सकता है, जिसका जो इफेक्ट है डायरेक्ट हमारे डिसीजन पर पड़ता है। फिर हम इसके जीएमपी के बारे में बात करेंगे, फिर हम फाइनल डिसीजन ले लेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस। एनको इन्वेस्टर के लिए जो शेयर्स ऑफर किए हैं कंपनी ने वो की है 18,57,600 के, उतने के ही बिड है। मार्केट मेकर के जो शेयर्स है वो है 3,31,200 के, और सेम के ही बिड है। क्यूआईबी के लिए जो कंपनी ने शेयर्स ऑफर किए हैं वो किए हैं 12,38,400 के, और जो बिड आई है यानी कि एप्लीकेशंस आई है वो आई है 71,67,000 की, यानी जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो 5.79 से ऑलरेडी ओवर सब्सक्रिप्शन चल रहा है। और जो एनआईए कैटेगरी है उसके लिए जो शेयर्स ऑफर किए हैं वो किए हैं 9,29,400 के, और जो बिड आई है यानी कि एप्लीकेशंस आई है वो आई है 93,90,000 की, यानी कि जो एनआईए कैटेगरी है वो 10.10 से ओवर सब्सक्रिप्शन चल रहा है। और जो रिटेल कैटेगरी है उसके लिए जो शेयर्स ऑफर किए हैं कंपनी ने वो किए हैं 21,68,400 के, और जो बिड आई है यानी कि एप्लीकेशंस आई है वो आई है 4,66,12,800 की। तो यानी जो रिटेल कैटेगरी है वो 21.50 से ओवर सब्सक्रिप्शन चल रहा है। तो अगर ये आईपीओ जब क्लोज होता है, तो अगर हम अजम्पशन लेके जब आईपीओ क्लोज होगा तो इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस कितना जा सकता है, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं जब आईपीओ क्लोज होने वाला है, जैसे कि आईपीओ कल 9 जुलाई को क्लोज होने वाला है, तो मैक्सिमम लोग 3 से 5 बजे के बीच में अप्लाई करते हैं जब आईपीओ क्लोज होने वाला होता है। तो अगर किसी भी आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस 0 होता है तो 550 चल जाता है, 50 होता है तो 100 चला जाता है, 100 होता है तो 300 चला जाता है, 300 होता है तो 500 के पार भी चला जाता है। डिपेंड करता है कि जब आईपीओ क्लोज हो रहा है उस समय आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस और जो आईपीओ का जीएमपी है वो कितना चल रहा है, उसके साथ साथ उस कंपनी के फाइनेंशियल फैक्टर कैसे हैं, केपीआई फैक्टर कैसे हैं, साथ साथ अभी जो जब आईपीओ क्लोज हो रहा है उस समय मार्केट कंडीशन क्या चल रही है, तो इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस जब आईपीओ क्लोज हो रहा है तो कितना जा सकता है। तो अभी जो हमने इसकी डिटेल वीडियो देखी थी उसमें जो हमने फाइनेंस केपीआई फैक्टर के बारे में बात की थी, और जो जीएमपी हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है रिटेल कैटेगरी का अभी फिलहाल 21.50 है, तो आगे जाके इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस मेरे अकॉर्डिंग 500 से 700 के पार जाने के चांसेस है कि इसका जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है 500 से 700 के आसपास हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं इस आईपीओ के जीएमपी की। 2 जुलाई 2024 को इस आईपीओ का जीएमपी था 205 रुपीज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 107.89% का।
3 जुलाई 2024 को 290 रुपीज हो गया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 152.63% का। 4 जुलाई 2024 को इसका जीएमपी 90 रुपए से कम हो गया जो हो गया 200 रुपीज का इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 105.26% का। 5 जुलाई 2024 जब ये आईपीओ ओपन हुआ था उस दिन उसका जीएमपी 5 रुपए से फिर बढ़ गया जो हो गया 205 रुपीज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 107.89% का। एंड 6 जुलाई 2024 को एंड 7 जुलाई 2024 का इसका जो जीएमपी है वो 15 रुपीज से बढ़ गया जो हो गया 220 रुपीज का इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 115.79% का। एंड 8 जुलाई 2024 जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस समय भी जो इस आईपीओ का करंट जीएमपी चल रहा है वो भी सेम ही चल रहा है 220 रुपीज का इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 115.79% का। तो अगर हम एक प्रॉफिट का अंदाजा लगाएं कि अगर ये आईपीओ इसी प्राइस पर और इसी जीएमपी पर मार्केट में लिस्टेड होता है या फिर इसके आसपास मार्केट में लिस्टेड होता है तो हमें कितने तक का प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे। तो जैसा कि इसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1,14,000 का और अगर हम इसमें जीएमपी ऐड कर दें 115.79% का तो हमें लगभग 1,32,000 के आसपास का प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे अगर इस आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो, और अगर ये इसी जीएमपी पर और इसी एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइसिंग के आसपास मार्केट में लिस्टेड होता है तो। पर जो जीएमपी है वो जरूरी नहीं इसी प्राइस पर मार्केट में लिस्टेड हो सकता है कि जब तक आईपीओ क्लोज हो इसका जीएमपी इंक्रीज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए। इवन जब तक आईपीओ लिस्टेड नहीं होता है तब तक भी जो जीएमपी वो इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं। तो अब हम फाइनल डिसीजन ले लेते हैं कि क्या हम इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। हमने इस आईपीओ की जो डिटेल वीडियो देखी थी उसमें हमने जो फाइनेंशियल सेक्टर देखे थे वो सारे क्या थे पॉजिटिव पॉइंट में थे। बस जो रेवेन्यू था वो 2022 के कंपेरिजन में कम हुआ था। बाकी जो सारे पॉइंट थे वो सारे क्या थे पॉजिटिव पॉइंट में थे। फिर हमने इसके जो केपीआई फैक्टर देखे थे केपीआई फैक्टर में जो था रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय रिटर्न ऑन नेटवर्क ये सब भी क्या थे 15 से ज्यादा थे तो ये भी हमारे लिए क्या था प्लस पॉइंट था। फिर हमने इसके जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो था वो देखा था तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी क्या था 1 से कम था तो वो भी हमारे लिए क्या था एक तरह का पॉजिटिव पॉइंट था। तो ये जो सारे पॉइंट थे वो पॉजिटिव में आ रहे थे और इस आईपीओ का जो जीएमपी कितना है 115.79%। तो ये एक एसएमई आईपीओ है। एसएमई आईपीओ जो होते हैं कितने माने जाते हैं हाई रिस्क वाले आईपीओ माने जाते हैं। तो अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं 0% रिस्क लेना चाहते हैं तो ही किसी आईपीओ में अप्लाई करें जब उस आईपीओ का जीएमपी क्या हो 100% से ज्यादा हो। अगर किसी भी आईपीओ का जीएमपी जब आईपीओ क्लोज हो रहा है और 100% से ज्यादा है साथ साथ उस कंपनी के जो फाइनेंशियल फैक्टर है केपीआई फैक्टर है और जो पॉइंट है वो सारे पॉजिटिव में है तो उसमें जो रिस्क फैक्टर होगा वो हमें कितना होगा 0% के आसपास का रिस्क फैक्टर होगा। पर अगर किसी भी आईपीओ का जीएमपी 60 से 100% के बीच में है तो उसमें जो रिस्क फैक्टर होगा वो कितना होगा 20 से 30% का। ये 20 से 30% का रिस्क फैक्टर इसलिए होता है क्योंकि जब आईपीओ क्लोज होता है और जब आईपीओ लिस्टेड होता है तो उसमें जो डेज का डिफरेंस होता है वो कई बार काफी ज्यादा हो जाता है तो उस बीच में हो सकता है कि मार्केट डाउन चला जाए या फिर इस आईपीओ के रिगार्डिंग कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाए जिसका डायरेक्ट नेगेटिव असर इस आईपीओ पे पड़े तो उस बेसिस पे इसमें जो रिस्क फैक्टर होता है वो 20 से 30% होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए मार्केट डाउन चल रहा होता है जब आईपीओ लिस्टेड हो रहा है उस दिन या फिर कोई नेगेटिव न्यूज आती है इस आईपीओ के रिगार्डिंग तो जो अगर किसी भी आईपीओ का जीएमपी 60 से 100% के बीच में है तो उस आईपीओ के जीएमपी को गिनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हो सकता है कि वो नेगेटिव पे भी लिस्टेड हो जाए तो ये डिपेंड करता है कि जब आईपीओ लिस्टेड हो रहा है उस समय मार्केट कंडीशन क्या चल रही है। अगर मार्केट कंडीशन अच्छी है आईपीओ का जो जीएमपी 60 से 100% के बीच में है साथ साथ इस कंपनी के जो फाइनेंशियल फैक्टर है वो सारे क्या है पॉजिटिव पॉइंट में तो जो वो आईपीओ है वो आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दे सकता है। पर डिपेंड करता है कि जब आईपीओ लिस्टेड हो रहा है मार्केट कंडीशन कैसी चल रही है। तो अभी फिलहाल इस आईपीओ का जीएमपी 115.79% यानी 100% से ज्यादा है और इस कंपनी के फाइनेंशियल फैक्टर वगैरह भी ठीक है तो इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो अभी 0% है। पर जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी स्टॉक मार्केट में किसी भी आईपीओ में जैसे स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं एक रिस्क तो जरूर होता ही है तो उस रिस्क को कंसिडर करते हुए आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करें। हम सिर्फ आपको रिव्यू दे सकते हैं बाकी डिसीजन लेना आपके ऊपर है कि आपको आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो मैंने अपना डिसीजन बना लिया है कि मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने जा रही हूँ क्योंकि अभी मुझे इसमें कुछ ऐसा कंसीडर नहीं लग रहा है कि आईपीओ नेगेटिव में लिस्टेड हो जाए। पर अगर वो किस्मत खराब हो तो वो बात अलग है पर अभी इसमें कोई ऐसे चांसेस नहीं है कि इस आईपीओ के नेगेटिव लिस्टेड होने में और इस आईपीओ का जीएमपी 100% से ज्यादा है तो उस बेसिस पे मैं इस आईपीओ में अप्लाई कर रही हूँ। पर मैं आप लोगों को तब भी सलाह दूंगी पहले अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है एक बार उनसे डिस्कस करें और हमेशा एक आईपीओ का जो रिस्क होता है उसको कंसिडर करते हुए किसी भी आईपीओ में अप्लाई करें। बाकी मैंने आपको मेरा डिसीजन बता दिया है मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने जा रही हूँ। पर जैसे कि आईपीओ अभी तक क्लोज नहीं हुआ है 9 जुलाई तक ये आईपीओ क्लोज होने जा रहा है। अगर मान लीजिए कल तक इसका आईपीओ का जीएमपी गिर जाता है या फिर कुछ ऐसी कंडीशन आती है मार्केट डाउन चला जाता है जिससे हमारा डिसीजन है हमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट आती है तो उसके रिगार्डिंग में अगर
कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आती है तो मैं आपको अपडेशन वीडियो लेकर आऊंगी, पर तभी लेकर आऊंगी जब जो मैंने आज डिसीजन लिया है उसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट आती है। तो अगर ऐसा कोई अपडेशन वीडियो आए तो उसके लिए क्या कीजिए, आप हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी मैं कोई आगे अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँ किसी भी आईपीओ के रिगार्डिंग, कोई नई वीडियो लेकर आऊँ, कभी भी कोई नया आईपीओ आता है उसके रिगार्ड, या फिर लास्ट मोमेंट पर कभी भी कोई डिसीजन चेंज होता है उस रिगार्डिंग कोई वीडियोज लेकर आऊँ, तो आप उन वीडियो से अपडेटेड रह सके और आप सही से सही आईपीओ में अप्लाई करने के डिसीजन में हेल्प ले सके। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।